हेलो फ्रेंड, नमस्ते, प्रणाम, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो फ्रेंड, सबसे पहले तो हम अपने चैनल में आपका स्वागत करते हैं। और फ्रेंड, हमारी तरफ से आप लोगों को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं और हैप्पी दिवाली। और फ्रेंड, आप सभी लोग भी अच्छे से दिवाली मनाइए और अपना अपना घर उजाला कीजिए, घर के ज़िंदगी में ही उजाला कीजिए। तो फ्रेंड्स, आज थी दीपावली, आज भी है, कल भी है, परसों भी है, क्योंकि हमारे साइड 3 दिन दीपावली मना रहे हैं लोग। तो फ्रेंड्स, हम भी दिवाली मनाए हैं। और आप सभी लोग को भी हमारी तरफ से दिवाली के बहुत बहुत बधाई हो। और फ्रेंड्स, अभी हम तो दिवाली बहुत लेट ब्लॉग बना रहे हैं, जिसकी वजह से सब कुछ ख़त्म ही हो गया है, लेकिन थोड़ा बहुत हमारा जो डेकोरेशन बचा था, रंगोली बचा था। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी रंगोली कैसी लग रही है। और फ्रेंड्स, हम घर में रंगोली क्यों बनाए मालूम है? क्योंकि ये घर में हमारा वाइट वाला टाइल्स लगा है रूम में, तो इस पे रंगोली बनाते तो दिखता भी है, समझ में भी आता है और सिंपल भी है। और बाहर वो थोड़ा दूसरा टाइप का टाइल्स लगा है, इसके वजह से वो उस पे नहीं दिखता, इसलिए नहीं बनाया है फ्रेंड। लेकिन अभी 5-6 दिन के बाद हमारा छठ पूजा आएगा, छठ पूजे में देखेंगे तो आगे ही द्वार पर ही बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, अभी हमारा पूजा पाठ हो गया है ख़त्म, तो अभी फ्री होके वीडियो बनाया हूँ, क्योंकि पूजा करना रहता है तो बहुत बड़ा टेंशन रहता है, कैसे भी कर, लेकिन शॉर्ट वीडियो में डाली हूँ मैं पूजा करके। तो फ्रेंड्स, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि एक भैया हैं, जो क्या नाम है उनका, कुछ नाम था, लेकिन उन्होंने क्या बोला है मालूम है, कमेंट करके बोल रहे हैं, दिवाली क्यों मनाई जाती है तुमको मालूम है, पहले उसके बारे में बताओ, उसके बाद दिवाली मना। तो फ्रेंड्स, हम उनसे ये बोलना चाहते हैं कि भैया, हम किसी भी चीज़ का मतलब और निचोड़ नहीं निकालना चाहते हैं, लेकिन जिस दिन हम बताएंगे ना कि दिवाली क्यों मनाई जाती है, क्योंकि हमें भी पता है कि दिवाली क्यों मनाई जाती है और दशहरा क्यों मनाया जाता है, लेकिन फिर भी जो हमारे पहले से चले आ रहे हैं, हमारी खुशी है भैया, हम दिवाली मनाएंगे, दशहरा मनाएंगे, हर एक त्यौहार मनाएंगे, क्योंकि हमें भी तो खुशी ज़रूरी होनी चाहिए ना। अब पूरे दिन ऐसे ही रहने का तो अच्छा नहीं होता है, ऐसे तो डेली तो कमाने खाने का लगा ही रहता है। तो भैया, आपसे हाथ जोड़ के मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप कमेंट अगर करें भी तो अच्छा से करें, नहीं तो ना ही करें तो बेटर है, ठीक है? तो भैया, अगर दिवाली के बारे में, तो दिवाली में क्या करते हैं हम लोग, यही तो करते हैं ना कि अपने घर को दीपों से सजाते हैं, उजाला फैलाते हैं, यही ना करते हैं? आप डेली लाइट जलाते हैं, वो भी तो लक्ष्मी जी ही ना, सब लोग बोलते हैं कि लक्ष्मी जी हैं। अभी तो लाइट कटेगी, चली जाएगी, उसके बाद आएगी तो सब लोग बोलते हैं लक्ष्मी जी आ गए, पूरा पाँव पड़ने लगेंगे। और जब लक्ष्मी जी का त्यौहार आ रहा है तो लोग हमें यही सिखा रहे हैं कि पहले दीपावली का मतलब बताओ, उसके बाद दीपावली मनाओ। तो भैया, आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि हमें भी पता है कि नहीं दिवाली क्यों मनाई जाती है, ठीक है, होली क्यों मनाई जाती है, लेकिन ये राष्ट्रीय हमारा ये त्यौहार हो गया है, नेशनल त्यौहार, इसलिए मनाना पड़ता है। और जहाँ तक मैं आपको ये बता दे रही हूँ कि आप किसी से भी पूछिए कि कर्नाटका में पूजा होता है कि नहीं होता है, कितना होता है कितना नहीं होता है, तो कोई भी आपको बताएगा कि नहीं कर्नाटका में क्या होता है। तो भैया, हम लोग इस समय कर्नाटका में जहाँ रहते हैं ना, उसका रूल फॉलो करते हैं, क्योंकि यहाँ पे पूजा पाठ बहुत है और सब लोग आते भी हैं, सबके घर पे सब लोग जाते हैं आते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जहाँ रहते हैं ना, वहाँ के रूल में ढलना पड़ता है, नहीं भी ढलें तो भी चलता नहीं है, ढल जाएँ तो चलेगा, क्योंकि अभी मायके में इस बेटी रहती है तो कैसे रहती है, ससुराल जाती है तो बदलती है ना, तो वैसे ही हम लोग का भी एक ये हो गया है। तो वैसे ही फ्रेंड, अभी हम अपने यूपी में रहते हैं तो दिवाली मनाते हैं, लेकिन तभी भी मनाते हैं, यहाँ पे भी मनाएंगे, हमको डर नहीं है कि नहीं दिवाली
आप क्यों मना रही हैं, ये है वो है, लेकिन हाँ यहाँ थोड़ा हमें पूजा करना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग डेली पूजा करते हैं। हम तो डेली नहीं करते हैं, लेकिन ये मेन मेन जो फेस्टिवल है ना उसको छोड़ते नहीं हैं। तो भैया मैं आपको बता रही हूँ, आपका नाम क्या था, हरिकेश की राकेश ऐसा ही कुछ नाम था। तो भैया मैं आपको बता रही हूँ कि हमें पूजा करना अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा, ये आप हमें बताने वाले हैं। ठीक है, आपकी जो मर्जी आप वो करिए, हमें जो अच्छा लगेगा हम वो करेंगे। फ्रेंड्स कमेंट करके बताइएगा कि मैंने गलत बोला है या सच बोला है, क्योंकि दिवाली सभी लोग मनाते हैं, चाहे वो कोई हो, दिए सब लोग जलाते हैं, क्योंकि अपने घर का उजाला हमेशा सभी लोग सोचते हैं कि हमारा उजाला हो, हमारे घर में लक्ष्मी आए, हमारे पास कुछ पैसे हो। अभी तो पैसे कोई देगा तो गप ले लेंगे, बोलेंगे कि लक्ष्मी आई है, आज लक्ष्मी जी का त्यौहार है, तो आप बोलते हैं कि नहीं क्यों मनाते हैं। तो मुझे भी पता है कि मेहनत करेंगे तभी लक्ष्मी आती है, ठीक है, लेकिन थोड़ा लक्ष्मी का भी आदर सम्मान करना चाहिए, तभी तो आएंगी लक्ष्मी। तो हम ज़्यादा किसी, बहुत लोग कमेंट करते हैं ऐसा वैसा, लेकिन हम ज़्यादा जवाब किसी का नहीं देना चाहते हैं। लेकिन देखिए इन्हीं लोगों में से एक भैया है, क्या नाम है उनका, हरिकेश कुमार 4544 उनका चैनल है, उनका आईडी नंबर है, मतलब वो कितना अच्छा से कमेंट करते हैं। मैं अभी एक वीडियो सुबह में बना के डाली थी, लेकिन फिर अभी भी उनका नाम ले रही हूँ, क्योंकि अगर भैया वो मेरी आवाज़ सुन रहे होंगे, मेरी वीडियो अगर उनकी तक जाए, तो भैया से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ कमेंट करके ये बताइएगा कि आप रहने वाले कहाँ के हैं, किधर के रहने वाले हैं, और आप इतना अच्छा अच्छा कमेंट करते हैं कि हमें आपकी आपकी मतलब बहुत लोग करते हैं, लेकिन उनमें से आपका कमेंट मेरे को बहुत अच्छा लगता है। फ्रेंड्स अभी आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग की दिवाली मनी कि नहीं मनी, हमारी तो मन गई। थोड़ा बाहर का भी लोकेशन, ये हमारा बाहर का, बगल वाले रूम में कोई नहीं रहता है, इसलिए उन्होंने कोई सजावट नहीं की, हम ही थोड़ा बहुत किए हैं। लाइट ऑफ करके दिखाते, तो फ्रेंड्स कैसा लग रहा है हमारा डेकोरेशन। फाइनली फ्रेंड्स आप लोग के घर में भी लक्ष्मी आए और थोड़ा बहुत हमें भी मिले हैं, क्योंकि तो फ्रेंड्स आप सब लोग को ढेर सारी शुभकामनाएं, यहीं पे हम अपनी वीडियो समाप्त करते हैं। बाय बाय एंड हैप्पी दिवाली।